हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। पृथला विधानसभा में थोड़ा सा कहते हैं कि गर्मजोशी का माहौल बन गया है। दीपक डागर का पहली लिस्ट में नाम आता है जो लोगों के बीच में आई, वो फेक थी या सच्चाई थी, लेकिन कहते हैं कि बहुत सारे अरमान जुड़ जाते हैं। लगातार लोकसभा में इन्होंने मेहनत की, कई सभाएं कराई पृथला विधानसभा में, जगह जगह गए, पैसा फूका, कई सारा पैसा बहाया, समर्थकों के बीच में गए, कईयों की नाराजगी भी झेली। जो लोकसभा इलेक्शन में कृष्ण पाल गुर्जर जी से नाराज थे, उन्हें मनाया भी दीपक डागर ने। लिस्ट आने के यहां लड्डू खिलाए जा रहे थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे, अचानक कल एक टिकट आती है, लिस्ट आती है, उसमें यहां से पृथला से टेकचंद शर्मा जी को टिकट मिल जाती है। कुछ दिन पहले वो अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं कि टिकट मिली नहीं मिली फिर भी मैं चुनाव लड़ूंगा, जबकि लोकसभा इलेक्शन में वहां से सुनने में आती है कि कृष्ण पाल गुर्जर जी की बगावत करते हैं टेकचंद शर्मा। फिलहाल में दीपक डागर है, मौके पर है, टिकट कट जाती है, समर्थकों में गुस्सा है। अभी पूछेंगे सर क्या कहना चाहोगे, बहुत मेहनत से किसी परिवार को पाल के बड़ा करता है भाई बच्चा, अचानक से ऐसे कुछ सुनने को मिल जाए क्योंकि परिवार है आपका, क्या फील कर रहे हैं? पहले तो ये पूछूंगा आपसे। सबसे पहले तो जो इस दुख की घड़ी में आप बिना बुलाए आए, आपका धन्यवाद करता हूं और आगे भी साथ देने का विश्वास जताता हूं आप पर। मेरे पृथला परिवार में बहुत अच्छे मेरे साथी हैं जिन्होंने मेहनत की, जैसे सुखबीर मलेन्ना जी हैं, विजेंद्र नेहरा जी हैं, धर्म चौधरी जी हैं, विनोद भाटी जी हैं, नैनपाल रावत जी हैं, अपने बलदेव लालपुर जी हैं, कुलबीर देशवाल जी हैं, विजेंद्र ककड़ीपुर जी हैं, और आपका ये भाई जिन्होंने अपने दिमाग से नहीं आत्मा से काम किया, 36 बरादरी की सेवा कुछ इस तरीके से करने का मन बनाया कि हमारा क्षेत्र जो 15 साल में पिछड़ चुका है, जो कमल नहीं खिला है, उस कमल को ऐसा खिलाएं जो पीढ़ी दर पीढ़ी याद रहे। मैं भावुक भी हूं, आत्मा मेरी रो भी रही है। आप रो भी रहे हो, आपके आंखों में आंसू, और ये भावना मैं छुपा नहीं सकता, मेरे को दर्द है और बेअंत दर्द है। आवाज धीमी है इसलिए कि अपनों ने कहा नेक तू जा गांव बस्ती जो, और हम तेरे साथ हैं, और मिला हमको झूठा धोखा। हमारे जो बड़े नेता हैं उन्होंने एक गजनवी को, जो 17 बार गजनवी था या कौन था मेरे को पता नहीं है, जो 17 बार इंडिया लूटा था, भारत लूटा था, ऐसे लुटेरे को टिकट दी है। हम उसके मंसूबों के और अपने पार्टी के इस गलत विचार पर उसको जीतने नहीं देंगे। लोकसभा में हमने देखा था आपको, लोकसभा में देखा था, बहुत मेहनत कर रहे थे, पसीना बहा रहे थे, लगातार कई सारी गाड़ियां दीपक डागर के पोस्टर लगे मिलते थे हमें, क्योंकि हम भी कवर कर रहे थे मंत्री जी को, तो उसमें लेकिन फिलहाल के तौर पर उम्मीद थी आपको, क्योंकि ये लग रहा था फिलहाल के तौर में कि टिकट मिल जाएगी। हमारी लोकसभा चुनाव में यहाँ पार्टी कार्यालय था जहाँ आज आप आए हो, हमने जैसे एक माँ का सच्चा बेटा होता है ऐसे सेवा की अपनी पार्टी की। कोई ऐसी रैली नहीं जिसमें मेरा 50% चाहे लोकसभा की हो विधानसभा की हो योगदान ना रहा हो। हमको ये दिखाना था, खाली एक ही सनकती एक ही ये था कि भाई हमें कमल खिलाना है, इससे नीचे हमें कुछ मंजूर नहीं था, और उन्होंने गलत निर्णय लेके हमारे सपनों को तोड़ा, हमारी आत्मों को झंझोर दिया, और 36 बरादरी का जो विश्वास बना था उसको कुचलने का उन्होंने काम किया। अगला कदम क्या रहेगा आपके, आपका क्या रहेगा अगला कदम, थोड़े से बंद कर दे, अगला कदम क्या रहेगा, क्या दीपक डागर अब फिलहाल में निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर कुछ और फैसला लिया है, क्या आपकी 36 बरादरी के साथ फैसला लिया हो कुछ? निर्दलीय तो जिसको टिकट दी है उसने घोषणा की थी कि मैं टिकट नहीं मिलेगी तो निर्दलीय लड़ूंगा। नैनपाल ने तो की थी, टेकचंद शर्मा ने अभी इकट्ठे किए थे उसने आज। हमारा अभी ऐसी कोई मनसा नहीं है, पार्टी के साथ थे, पार्टी के साथ हैं, अभी भी मन पार्टी के साथ है, जब टिकट कट गई अभी भी पार्टी के साथ ही मन है। क्या अभी भी लगता है आपको, अभी उम्मीद है आपको भी? उम्मीद कुछ हो सकता है, मेरे को नहीं लगता कि कुछ होगा, कि वहाँ अत्याचारी बैठे हैं और उनको कुछ दिखता नहीं। जब आप अत्याचारी बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं, उसके बाद टिकट कट जाती है, अभी भी पार्टी से उम्मीद है, ऐसा क्या लगाओ भाई कि ऐसा लगाओ जो पार्टी ने आपके साथ धोखा कर दिया, पर अभी भी फिर भी आप पार्टी की बात गुणगान कर रहे हैं? माँ जननी होती है, जननी
पे अगर कोई चूक हो जाए उसे मनाने का कोशिश करते हैं। हम ऐप के माध्यम से पूरी पृथला विधानसभा को आमंत्रित करता हूं भगत सिंह ग्राउंड गांव जाजरू बाईपास पे समय सुबह 10 बजे पूरा 36 बरादरी का समाज 104 गांव वहां पे ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में पहुंचें और फिर हम मिलकर निर्णय लेंगे कि हमें क्या करना है कैसे करना है। जो वो कहेंगे, अगर वो कहेंगे भाई तेरे को रेल में कटना है तो मैं रेल में कटने के लिए तैयार रहूंगा। वो कहेंगे कि आप टिकट आपको नहीं मिली आप लड़िए, क्योंकि अक्सर जो आपके साथ के समर्थक होते हैं मैं यही आवाज उठवा लेता हूँ। क्या लगता है इनको लड़ना चाहिए निर्दलीय? ये तो यही बोल रहा है, यही समर्थक यहाँ बोल रहा है, वही आपके रैली में वही समर्थकों की आवाज उठेगी, क्योंकि जो समर्थक होता है वो अपने योद्धा के साथ साथ में खड़े होता है, उसके मरने में जीने में वो हमेशा खड़ा होता है। वो तो चाहता है कि विनिंग सीट हो, वो तो चाहता है कि मेरा योद्धा, मेरा जो आसपास सलाहकार है या जो मुझे हमें लीड कर रहा है वो आगे लड़े, वो तो हमेशा चाहता है। देखो 104 गांव की कमेटी बनेगी और जो वो निर्णय लेगी, उन्होंने कह दिया आप लड़िए तो फिर आप लड़ेंगे? अगर वो कहेंगे तो लड़ूंगा और नहीं कहेंगे तो नहीं लड़ूंगा। ठीक है, क्या जनता की आवाज को आप सर्वोपरि मानेंगे? भाई टिकट ही जनता की है, वोट जनता घेरती है, नेता नहीं घेरते। वो वोट डालेंगे, कहेंगे तो चल हम तेरे साथ हैं तो चलने का काम भी। कोई भी नेता फिर मनाने आ जाए, कोई बड़ा अधिकारी मंत्री से मनाने नहीं मानेंगे, जनता की आवाज सुनेंगे आप? भैया मनाने आते तो अब लोग आ चुके होते। डॉक्टर साहब ऐसा क्या हुआ कि पैनल में एक नाम था, संभावितों में नाम भी दीपक डागर का है, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो टिकट आपका नाम रेस में चल रहा था काफी ऊपर था? भाई इसकी तो भगवान ही बताएगा और भगवान को ही पता है, भगवान ने कहा था मेरे को तेरी टिकट पक्की है, अब वो ही बताएंगे क्या इसमें क्या रहा क्या नहीं रहा। ठीक है, तो इस पर आप देखिएगा फिलहाल के तौर पर जितने समर्थक हैं आपको बता दूं सुबह से यहाँ पर अच्छा खासा समर्थकों की भीड़ लगी रही है। ये तो हम काफी आपको बता दूं सुबह से लगी, हम तो काफी 3-4 घंटे बाद पहुंचे थे, तो जिस तरीके से अच्छा खासा यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी थी, अपने ही ऑफिस में आपको बता दूं बैठ गए हैं लोगों की, जिस तरीके से आपको बता दूं रिव्यू मिल रहे हैं, क्योंकि पहली लिस्ट में इनका नाम जो आ रहा था एक लिस्ट निकल के आई थी उसमें दीपक डागर का नाम चल रहा है। टिकट कट जाती है तो सोच दुख होता है। यहाँ पर दीपक डागर रो रहे हैं इस बात को लेकर कि जिस पर विश्वास किया था लगातार लोकसभा में जिस तरीके से मेहनत की उसकी मेहनत का फल बीजेपी ने नहीं दिया है। तो अब देखेंगे पृथला विधानसभा में रायता तो फैलेगा भाई, ये रायता पृथला विधानसभा में फैलेगा तो सही, क्योंकि नयनपाल अपना सोच रहे हैं, मौजूदा विधायक दीपक डागर एक बड़े नेता हैं यहाँ के, वो अपना सोच रहे हैं, टेकचंद शर्मा अपना सोच रहे हैं, तो मतलब हाँ रायता तो जरूर फैलेगा। पूछते हैं भैया क्या कहना चाचा, एक बात तो अगर टिकट विकट नहीं मिली क्या कहना चाहोगे, दीपक डागर को लड़ना चाहिए? चुनाव लड़ेंगे, लड़ाएंगे, लड़ेंगे भी, लड़ना चाहिए, निर्दलीय लड़ना चाहिए, बिल्कुल लड़ना चाहिए। मतलब पार्टी ने जो है एक सच्चे जो है व्यक्ति के खिलाफ जो है उन्होंने समझ लो धोखा किया जो है, अच्छा। जो 3 साल से कंटिन्यू जो है बीजेपी के साथ में ये सोच करके नहीं खड़ा हुआ था कि जो हमें नेता बन करके लड़ना है, यहाँ की जनता ने उनको सपोर्ट किया, अच्छा। कि हाँ आप जो है ना विधायक की जो सीट से लड़े जो है तब जो है उन्होंने जो है उसके लिए वो किया, उनका कभी मन नहीं था जो है न उन्होंने जो कभी जो है वो किया जो है, उन्होंने जो भी कुछ नेता जनता बनाना चाहती थी वो तो सिर्फ सेवा कर रहे थे। हाँ सेवा कर रहे थे पार्टी की, हाँ सेवा का फल जो है जो जनता को जो है कह रहे सेवा का फल जहर में मिला, जहर में मिला जी, सेवा का फल मीठे की जगह जहर में मिला, क्या कहना चाहोगे? लड़ना चाहिए दीपक नागर को, लड़ना चाहिए, लड़ना चाहिए हर कीमत पे, अच्छा लड़ना चाहिए, हाँ जी कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए लड़ना चाहिए, और जिता के छोड़ेंगे बिल्कुल। पृथला में तो रायता फैलेगा जी, अब तो लगता है राय तो कते ना फैलेंगे, दीपक डागर कते चंडीगढ़ कैसे फैलेगा, एक इधर मांग रहे एक इधर मांग रहे सारे राबत है, तो नहीं दीपक डागर बनेगा आपके, लगता है कि बीजेपी का गलत फैसला रहा, ये गलत फैसला जी बिल्कुल गलत है। बाहरी आदमी आके टिकट ले गया, वो तो कहते हैं मैं आगे विधायक रह चुका पूर्व, वो बाहरी तो है ना विधायक भी सक रह चुका। देखिए पहले जनता नैनपाल रावत के साथ, नैनपाल बीजेपी ने उसके साथ बगावत की, नैनपाल को टिकट नहीं दी, जनता उसके साथ थी, पृथ्वी क्षेत्र नैनपाल को बनाया नहीं बनाया, तो अब की बार भी भाई दीपक के साथ है जनता के साथ। हाँ देखिए मेरी बात सुनिए, जो बीजेपी ना और हमारे जो सच्चे सेवक होते हैं जो पृथ्वी हल्का के उनके साथ बगावत करती है, उनको वो टिकट नहीं देती, अपने पंडित टेकचंद शर्मा है उनका एक वोट नहीं है यहाँ पे, उनका ओनली एक कार्यालय, वो यहाँ रहते भी नहीं है, दीपक भाई तो अपने 37 में रखते हैं, 37 है सबको पता, वो तो देखिए वो यहाँ रहते भी नहीं, दीपक भाई के पास रात को बाहर के रहने वाले, वो सभी को पता है, बिडुकी होटल बिडुकी के रहने वाले से है, बिडुकी से वो बिडुकी भी नहीं रहते, वो 37 रहते, वो तो अपनी वोट भी नहीं है उनके पास, दीपक भाई तो कम से कम 4,000 वोट अपने काम की है,
वो अपने 4000 से उनको लेकर चलेगा और फिर 104 गांव की वोट है भाई दीपक डागर के साथ। बीजेपी को पृथ्वी में जानता ही कौन था बताओ, अब तीन बार आया है भाई साहब ने, अब की बार बीजेपी का जो नाम उन्होंने उजागर किया है। ऐसा ना हो कि बीजेपी की बगावत के चक्कर में कांग्रेस बाजी मार जाए यहाँ पर, क्योंकि बीजेपी के कई सत्ती हैं। सभा चुनाव से पहले जो है दीपक जी की जो है पीठ ठोक करके कहा था कि दीपक जैसा भोला इंसान जो है इस पृथ्वी विधानसभा में नहीं मिलेगा, जो है उसके भोले पर जी ने नाजायज फायदा उठा करके जो है ना थूक करके चाटने का काम किया है, जो है उन्होंने बहुत ही गलत किया जो है पृथ्वी विधानसभा की जो है जनता के साथ में जो है, जो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके अपोजिट थे लोकसभा में, उनके अपोजिट थे और फिर भी उनको वोट दी, या तो उनके राजी राजी चांसेस बिल्कुल भी नहीं थे यहाँ से, लेकिन दीपक भाई की मेहनत की वजह से जो है तो थे नहीं यहाँ से, यहाँ से तो हार गए थे। यहाँ से गुजर साहब के जीतने का मुख्य कारण है दीपक भाई, जीत नहीं हार गए थे, पृथ्वी से हार गए थे। पृथ्वी से हार गए वोट ही 7000 वोटों से हारना हुए डागर भाई साहब की वजह से ही था। नहीं पृथ्वी में कहाँ थी गुजर की वोट? अच्छा, कहीं पे नहीं थी, ये भाई साहब की मेहनत थी जो 7000 वोटों से नहीं, वहाँ पे 7000 कुल ही निकलनी थी बीजेपी को, कहाँ थी वोट बीजेपी की? तो देखिएगा जिस तरीके से आपको तो बगावत के सुर तो भैया शुरू हो गए हैं, ये हर विधानसभा मिलेंगे बगावत के सुर। देखिए आप जनता हैं, ये बगावत के ही होते हैं, मतलब सीधा से टिकट नहीं मिली तो मेरे साथ परेशानी खड़ी हुई है, बगावत है, नाराजगी है, समर्थकों में गुस्सा फूट रहा है, किसी का मन टूट रहा है तो किसी का विश्वास टूट रहा है, ये लगातार चलेगा अभी बता दूं, लेकिन इसका नुकसान पार्टी को होगा। आपको बता दूं पृथ्वी विधानसभा में पार्टी को होगा, जिस जिस विधानसभा में कार्यकर्ता लगातार मेहनत कर रहा है अगर उसकी टिकट कटती है तो होगा, एनआईटी विधानसभा की बात करें तो वहां भी होगा अगर टिकट कट जाती है, अगर बीजेपी के जो कार्यकर्ता है मेहनत कर रहे हैं तो टिकट कट जाती है तो होगा नुकसान कन्फर्म। ऐसा ना हो कि बीजेपी विनिंग सीट के चक्कर में चली है और हार जाए, जो कांग्रेस की बता रहे हैं कि लहर चल रही है, लोगों के थॉट चल रहे हैं कि इस बार कांग्रेस हारी, जो लोगों के मन की बातें निकल निकल के आ रही हैं, ऐसा ना वो सच हो जाए, ये सोचने की आवश्यकता है कि पार्टी को सोचने की आवश्यकता है कि भैया टिकट बंटवारे में आप किसको टिकट दे रहे हैं, अब ऐसा करेंगे तो कांग्रेस आएगी आएगी। अच्छा भैया, अच्छा अच्छा, अभी आते जाते हैं, ऐसा करेंगे तो कांग्रेस आनी 100% है। तो चलिए ये है, आपको बता दूं तमाम साथी हमारे साथ जुड़े हैं, बने रहिए हमारे साथ, आप देख रहे थे सिटी न्यूज़, नमस्कार।